लेकिन जिस तरह से देश में निजीकरण का दौर, उससे कितना लाभ मिलेगा देश को? निजीकरण से जहाँ भी कई देखिए ग्लोबलाइजेशन, 3,500 किताबें छप चुकी हैं सारी दुनिया में अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन पर। अधिकांश में ये बताया गया है कि गरीब देशों का इससे शोषण है, अमीर देश या गरीब देश के बड़े कॉरपोरेट को ही लाभ होता है। उसमें करीब 150 किताबें मैंने पढ़ी और एक दर्जन जो तूफान मचाने वाली किताब मेरे पास है, निकोला निकोलस की पुस्तक है, उसके बाद उसका नाम है सो वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी, डेविड सी कर्टन के फैन कॉरपोरेशन रूल द वर्ल्ड, सब में ये बताया गया है कि इससे लाभ जो होता है, सबने विरोध ही किया कि आम आदमी के विरोध में है वह निजीकरण ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत हुई है इधर हाल में वो 1980 में करीब, वो जबकि मार्गरेट थैचर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी, रोनाल्ड रीगन और वो दोनों थे, उसी टाइम में शुरुआत हुई है रीगन के, हाँ रीगन के टाइम में शुरुआत हुई। तो उसी में हो गया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन करना है, सारी दुनिया पर कब्जा करना है। पहले वो लोग हथियार लेकर के आते थे, देशों पर कब्जा कर लेते थे, गुलाम बना लेते थे। अब जो है सो अपना नीतियां बना करके के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, यूएनओ के नीतियां बनवा करके और उसको लागू करवा करके गुलाम भी बनाते थे धन लूटने के लिए। अब इसके बहाने लूट रहे हैं। अभी कोरिया का एक अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज में है, उसने किताब लिखी है इसी ग्लोबलाइजेशन पर, व्हेन किक्ड द लैडर, जब सीढ़ी गिरा दी, कि जिन फार्मूले से यूरोप और अमेरिका के देश विकसित हुए हैं उसी फार्मूले को जब एशिया और अफ्रीका के देश लागू करते हैं तो कहते हैं तुम गैट के अमुक अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हो, वही काम नहीं करने दे रहे हैं। तो 1900 एक बिल्डर वर्ग है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर वर्ग में तय हुआ 1968 ईस्वी में कि सोवियत रूस को तोड़ देना है। सब भिड़ गए उसमें, अंततः टूट गया। 1980 में निर्णय हुआ कि भारत में द्विदलीय शासन पद्धति और दोनों की आर्थिक नीतियाँ एक हो। फिर सारी एजेंसियाँ उसका मीडिया, वॉइस ऑफ अमेरिका, जर्मन वेब जितना था, इंग्लैंड का, सब भिड़ गया। नीतियाँ बनाने वाले, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सब भिड़ गए। और ठीक आज वही स्थिति आ गई है कि दो ध्रुवी हो गया है देश, दो दल जो प्रमुख हो गए हैं, या तो आप कांग्रेस के साथ जाएं कोई भी दल, या भाजपा के साथ, दोनों की आर्थिक नीतियाँ वही हैं। आर्थिक नीतियों का विरोध नहीं कर रहा है कोई एक दूसरे का। तो ये हो गया जैसा बिल्डरबर्ग ने चाहा, पश्चिमी देशों ने, कॉरपोरेट ने चाहा, वैसा द्विदलीय शासन पद्धति भारत में हो गई। यानी ये तो साफ सर स्पष्ट हो गई ना इससे कि ये सिर्फ कॉरपोरेट लोगों को इससे बेनिफिट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कॉरपोरेट के जो आंकड़ेबाजी आप देखेंगे बीच बीच अखबार में कि दुनिया के शीर्ष पैसा वाले में अंबानी इतने नंबर पर और कम में आ गए और ऊंचा बढ़ गया उनका कद, इससे आम जनता को क्या, वो तो 32 महल के अंटालिया में रहते हैं, वो पति पत्नी एक दो बच्चे हैं, हमको बिजली का अगर बढ़ जाए मीटर तो हमको चिंता होने लगती है, हम आम आदमी को। अभी तो नहीं, हमको लगता है कि करीब करीब 10 साल पहले एक समाचार आया था कि वो जो अंटालिया 32 मंजिला है उसमें मुकेश अंबानी, उसकी पत्नी और बच्चे रहते हैं और नौकर चाकर रहते हैं। 10 साल पहले एक महीना का बिल होता था बिजली का 66 लाख रुपया, अब कितनों बढ़ जाए बिजली का रेट उनको क्या फर्क पड़ता है। तो जीडीपी ये सब बढ़ने से इससे उन्हीं को लाभ हो रहा है, आम आदमी तो रसातल में जा रहा है। और ये जो आप ये जो इंदिरा गांधी के आर्थिक सलाह रह चुके थे डॉक्टर सेन गुप्ता अर्थशास्त्री, तो मनमोहन सिंह ने कमेटी बना दी सेन गुप्ता, उसने अपने रिपोर्ट में कहा कि भारत के 82 करोड़ लोग रोजाना गुजारा करते हैं 20 रुपए से कम पर। जब रिपोर्ट आई तो उसको मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी पुष्टि बिहार सरकार ने कर दी जिसमें नगेंद्र नारायण यादव सांख्यिकी मंत्री थे और विजय प्रकाश उसके प्रधान सचिव थे। तो एक फोन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संवाद कक्ष जो जनसंपर्क विभाग का है, उसमें उन्होंने आंकड़े जारी किए कि प्रत्येक जिला में 3800 जिला का कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है सालाना। तो वो देखे 3800 20 रुपया रोज के दर से जोड़ेंगे तो 7300 से के करीब होता है। अच्छा, 7300 कुछ रुपया होता है। 38 जिले में 19 जिले की सालाना आमदनी 7300 रुपये से कम है 19 जिले की, और 19 जिले की उससे ज़्यादा, इसका मतलब है
तो 19 जिला तो 20 रुपया रोज पर कम से कम, ये तो सेन गुप्ता की रिपोर्ट की पुष्टि कर रहा है वो, बिल्कुल सही, बिहार का अधिकृत आंकड़ा है वह, बिल्कुल। तो आखिर कैसे गुजारा कर रहा है लोग, उसकी चिंता किसको है। और हम बात करेंगे जैसे युवाओं का जो अभी रिसेंटली जिस तरह से उग्र हो रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के कि वैकेंसियां नहीं निकाल रही है, इसके से मुख्य वजह क्या है कि वैकेंसियां क्यों नहीं? हाँ, वैकेंसी इसलिए नहीं निकाली जा रही है कि ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तो उसमें मनमोहन सिंह नरसिंहा राव तो मुख्य दर्शक थे, मनमोहन सिंह ने जो किया वर्ल्ड बैंक के सामने कि सरकार तीन चीज़ अपने पास रखेगी, लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्टर एस पी, ये पुलिस वाले, जुडिशल सिस्टम और डिफेंस, बाकी सब निजी कंपनी को 2007 तक सौंप देना था, सड़क, शिक्षा, अस्पताल सब। तो आप ध्यान देंगे हाल के वर्षों में कि सेना में एडहॉक प्रभारी नहीं हो रही है, कोर्ट में जो है एडहॉक प्रभारी नहीं हो रही है म्यूनिसिपल स्टेट की, और पुलिस में भी एडहॉक पर बहाली परमानेंट बहाली हो रही है। अब बाकी इंजीनियरिंग करके आइए कि डिलीट करके आइए कि आप एमटेक करके आइए, कॉन्ट्रैक्ट पर चले जाएंगे, क्योंकि वो रखना नहीं है उसको, उनके लिए सौतेला हो गया सारा विभाग। तो निजी कंपनियों को सौंप देना, और इस बात की कोई चिंता नहीं है कि सो बेरोजगारों के साथ युवाओं के साथ क्या हो रहा है। अभी जो बिल्डर वर्ग का डिसीजन है कि सारी दुनिया की आबादी 50 करोड़ पर ला करके अस्थिर कर देना है, उसके लिए तरह तरह के वैक्सीन के प्रयोग किए जा रहे हैं कि लोग नपुंसक हो जाएं, 50 करोड़ आदमी रहे, यही बिल्डर वर्ग का डिसीजन है। उससे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि कितना युवा मरे कटेंगे, और अभी जो असंतोष है ये उन लोग भारत के युवाओं में हुआ, उन लोगों के कारण है जो 20 साल 25 साल 30 साल पहले पैदा हुए थे। अभी जो पैदा हो रहे हैं 19-20 में, इसका क्या लम होगा ये तो 20 साल के बाद पता चलेगा, देखने को मिलेगा कि वो भयावह स्थिति क्या होगी। तो एक अर्थशास्त्री फ्रांस के यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र का विंग है, उसकी एक मैगजीन निकलती थी यूनेस्को कुरियर, करीब 50 भाषाओं में, हर अंक में एक किसी दुनिया के रिनाउंड वैज्ञानिक, साहित्यकार, किसी का इंटरव्यू लिया, उस अर्थशास्त्री का इंटरव्यू लिया, उससे ग्लोबलाइजेशन पर बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। अंतिम सवाल जो पूछा गया था वही मेरा भी जवाब है। ठीक है, संयोग से यूनेस्को की वो पत्रिका तो बंद हुई, लेकिन वो अंक सुरक्षित है, कई मीडिया समूह वाले को भी मैंने उसके फोटोकॉपी दी थी कि देखिए विचार है। अंतिम सवाल यह था कि 20 से 30 के उम्र वालों के लिए आप क्या कहना चाहें युवाओं के लिए? तो उस अर्थशास्त्री ने कहा कि अगर आप संपन्न परिवार के हैं और आपकी उम्र 20-30 है, तो आप पर अपहरण के खतरे के अलावे चिंता की और कोई बात नहीं। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो इस बात को भूल जाएं कि शिक्षा लेने के बाद शिक्षा के अनुरूप आपको कोई सरकारी या निजी जॉब मिल जाएगा, इस बात को भूल जाएं। तो निम्न परिवार के हैं तो आपके चारों ओर मुझे नरक ही नरक दिखाई पड़ रहा आने वाले समय में, यही उनका जवाब। उस समय की उनकी भविष्यवाणी 1998 में, 98 की भविष्यवाणी आज चरितार्थ हो रहा है। चरितार्थ, चलिए, इन तमाम मसलों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जो कि अपने अनुभवों से लंबे अर्सों से जो है पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिकता में भी एक अलग अपनी प्रकाष्ठा को जो है स्थापित किए हैं। चलिए, अब तक के लिए इतना ही।